नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। नरेंद्र मोदी के दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनने पर ही पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधरने के बयान को देकर पाक पीएम इमरान खान ने दोनों देशों के आम लोगों को हैरत में डाल दिया है। लेकिन राजनीति के धुरंधर इमरान खान की इसके पीछे की मंशा हम बखूबी समझ रहे हैं। विश्लेषकों का मानना यह है कि इमरान खान बालाकोट की एयर स्ट्राइक के लिए अनुमति देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने साथ देकर पश्चिमी देशों का समर्थन चाहते हैं। हालांकि इमरान खान के बयान के बाद विपक्षी दलों ने पीएम मोदी को घेरा है। दरअसल इमरान सरकार के पास पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्थिति को पटरी पर लाने की बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि एफएटीएफ ब्लैकलिस्ट भी कर सकता है। अमेरिकी सांसदों के विरोध के बाद आईएमएफ से भी पाकिस्तान को राहत फंड मिलना मुश्किल है। आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। माना यह भी जा रहा है कि ऐसी विकट परिस्थितियों से घिरे पाकिस्तान ने भारतीय प्रधानमंत्री का समर्थन करके न सिर्फ भारत बल्कि पश्चिमी देशों के सामने भी अपनी छवि सुधारने की दूरदृष्टि दिखाई। भारत तमाम मंचों पर पाकिस्तान का विरोध भी कर रहा है। एक तरह से पाकिस्तान को आईएमएफ और एफएटीएफ का डर सता रहा है। वो ऐसे क्योंकि आईएमएफ ने 2018 और 19 के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ का अनुमान घटाकर 2.8% और 2019-20 के लिए 2.9% कर दिया है। पाकिस्तानी रुपए में कमजोरी आने के बाद रेटिंग एजेंसियों के डाउन रेट से आर्थिक मुश्किलें भी बढ़ी हैं। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से विदेशी फंड निवेश पर रोक है। पाकिस्तान अभी तक अपने आर्थिक संकटों से उबरने के लिए खाड़ी देशों से वित्तीय मदद की मांग कर चुका है, लेकिन ये वित्तीय मदद भी उसके ज्यादा काम नहीं आ सकी। पाकिस्तान पश्चिमी देशों से मदद लेना चाहते हैं, इसके लिए वो अपनी इकोनॉमिक साख को मजबूत कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान को उसके पुराने दोस्त चीन से आर्थिक मदद मिलती रहती है, लेकिन ये आर्थिक मदद उसके लिए पर्याप्त नहीं के बावजूद भी पाकिस्तान की इकोनॉमिकल मुसीबतें कम नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार चरमरा भी रही है। फरवरी में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार 8 अरब डॉलर का था, जो कि एक साल पहले 12 अरब डॉलर था। पिछले दो साल में डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 40% गिर गया। वहीं आईएमएफ ने यह भी कहा कि पाकिस्तान का अनुमानित बजट घाटा 7.2% रह सकता है और अगले साल इसमें बढ़ोतरी होने की भी आशंका है। पाकिस्तान में महंगाई दर 7.6% रहने का अनुमान है। वहीं इमरान खान ने कहा है कि अगर अगली सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनती है तो हो सकता है कि वो कई मुद्दों पर बातचीत करने में डरे। उन्होंने कहा, अगर पीएम नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी जीतती है तो कश्मीर मुद्दे पर किसी तरह के समाधान पर पहुंच सकते हैं। सत्ता के अखाड़े में कौन जीतता है और कौन हारता ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान डर गया है। खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।